स्टूडेंट्स वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपेरेटिव। महेश पाला, माई सेल्फ अभिषेक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा परम्यूटेशंस के बारे में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दो अलग अलग कंडीशंस है बेटा। परम्यूटेशन में आता है बेटा काउंटिंग ऑफ अरेंजमेंट्स, इन कॉम्बिनेशन में आता है काउंटिंग ऑफ सेलेक्शंस। मीन हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर आपको 4-डिजिट कोड बनाना है फ्रॉम 0 to 9, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास 10, एंड रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। आपको एक 4-डिजिट कोड बनाना है फ्रॉम द गिवन डिजिट 0 to 9। तो 4-डिजिट कोड के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं बेटा? फर्स्ट प्लेस के लिए 10 पॉसिबिलिटीज़ है, सेकंड के लिए 9, 8 और 7। ये हम कर रहे हैं जब हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू 7। तो जब आप लोग ये कर रहे हैं तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अब जब आप देखते हैं तो 4-डिजिट कोड में प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर आप एक कोड बनाते हैं 1, 2, 3, 4, अब उस कोड में अगर दो एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाता है, वो 2, 1, 3, 4 बनता है, दैट मींस कि आपके पास ये टू डिफरेंट कोड्स हैं। दैट मींस पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो है वो मैटर कर रहा है, पोजीशन ऑफ डिजिट मैटर कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ परम्यूटेशन, जिसमें हम लोग अरेंजमेंट्स काउंट करते हैं। कितने पॉसिबल वेज में हम इन 4-डिजिट कोड्स को अरेंज कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो इनसे कितने पॉसिबल केसेस हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बच्चे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है बच्चे काउंटिंग ऑफ सिलेक्शन। काउंटिंग ऑफ सिलेक्शन क्या है बेटा? यहाँ पे पोजीशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर्स। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूँ कि सिलेक्ट 3 स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास फॉर अ क्विज, एक क्विज है जिसके लिए आपको 3 स्टूडेंट अपनी क्लास में से चूज़ करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस स्टूडेंट्स आर ABC। जब मैं ABC स्टूडेंट को चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ABC फर्स्ट ए को चूज़ करूँ, फिर बी को चूज़ करूँ, फिर सी को चूज़ करूँ, या फर्स्ट बी को चूज़ करूँ देन ए देन सी, या फर्स्ट सी को देन ए देन बी, तो आपके पास ये सिलेक्शन तो 1 सिलेक्शन है सिर्फ। जितने मर्जी पॉसिबल वेज में मैं कर लूँ, लेकिन टीम तो 3 मेंबर का ही टीम रहा। तो इस तरह की कंडीशंस को हम लोग कॉम्बिनेशन में कंसीडर करते हैं। आ जाइए बेटा, हमारे पास सबसे पहले आता है एन। क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ गिवन एंड डिफरेंट गिवन ऑब्जेक्ट्स। आर है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी टेकन एट ए टाइम। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, जैसे यहाँ पर है आपको 0 to 9 कंडीशंस गिवन है, आपको उसमें से 4-डिजिट कोड बनाना है। तो 0 to 9 जो कंडीशन है वो टोटल गिवन कंडीशंस है, वो है 10 n, जिनको हम n से कंसिडर करते हैं। और अब आपको 4-डिजिट कोड बनाना है, दैट मीन उन 10 में से आपको 1 टाइम पे कितने डिजिट चूज़ करने हैं? 4। जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो ये 4 डिजिट चूज़ किया आपने इनमें से, गिवन 10 में से। तो इसको हम जो आपको चूज़ करने बेटा, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी चूजन एट ए टाइम। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं केस 1 बेटा, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। फर्स्ट है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है बेटा, एंड रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड और एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन है 0 to 9, तो दैट मीन्स एन गिवन है बेटा 10, और आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितने? आपको 4-डिजिट कोड बनाना है। कितना डिजिट बेटा? 4-डिजिट कोड बनाना है। तो पॉसिबिलिटी यही बनती है आपके पास। ठीक है, तो अब जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड एंड एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, तो हम यहाँ पे एक NPR कंडीशन बनाते हैं। NPR किसके इक्वल है बेटा? n·n−r·। ये भी सेम केस है कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, आपको 4-डिजिट कोड बनाना है। तो ये कितना आएगा बेटा? 10·10−r·, n आपके पास था बेटा 10 और r है आपके पास बेटा 4, क्योंकि 4-डिजिट कोड आपको बनाना है। तो 10−4 = 6·, तो ये आ गया 10·, को आप लोग लिख सकते हैं 10·10·9·8·7·6·6। अगर इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू रहेगा 10·9·8·7। यही आपके पास पॉसिबिलिटी थी। तो दैट मीन्स जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, तो परम्यूटेशन का ये फार्मूला आता है बेटा n·n·r·। नेक्स्ट केस है बेटा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है बेटा, अगेन सेम केस है बेटा कि आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट 10 डिफरेंट डिजिट्स गिवन है 0 to 9, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बेटा? 10। अब आपको उनमें से 4-डिजिट कोड बनाना है। कितना बनाना है बेटा? 4-डिजिट कोड बनाना है, एंड रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। आप लोग रिपीट कर सकते हैं बेटा, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फर्स्ट प्लेस के लिए कितने हैं? 10। सेकंड प्लेस के लिए 10, थर्ड प्लेस के लिए भी 10, एंड फोर्थ प्लेस के लिए भी 10। तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 10⁴ आ जाएगा। तो 10 कितना है बेटा? n, एंड पावर 4 आ गया बेटा r, n⁴। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो परम्यूटेशन का फार्मूला होता है बेटा n⁴। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारे पास थर्ड केस, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम टाइप एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट।
क्या है बेटा, अगर थर्ड केस है परम्यूटेशन के, थ्री केसेस हैं बेटा। एक केस में हमने किया कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर गिवन है बेटा तो उसमें दो केसेस किए हमने, कौन कौन से, रेपिटेशन अलाउड है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट केस है बेटा कि एन ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, जिनमें से गिवन ऑब्जेक्ट्स में से आपके पास क्या है, पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम टाइप। जैसे वर्ड कूल है बेटा, तो इनको मैंने अलग अलग कलर से मैंशन किया, दिस इज़ रेड ओ, दिस इज ब्लैक ओ। अगर इनकी पोजिशन को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, वर्ड तब भी कूल ही रहता है, चेंज नहीं आता, ठीक है। दैट मीन्स हमें इंटरचेंज करने से भी कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि बेटा जो कंडीशन, अगर पी ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के हैं, जैसे ओ जो है बेटा सेम टाइप का है, तो जितने नंबर ऑफ टाइप्स वो रिपीट कर रहा है दैट अपॉन पी फैक्टोरियल कर लेंगे। जैसे बेटा कूल वर्ड है, जनरेट फोर लेटर वर्ड आपको बनाना है, फोर लेटर वर्ड अगर आपको इससे बनाना है बेटा, तो कूल वर्ड में टोटल कितने वर्ड्स हैं, एन कितना है, फोर, फोर डिजिट ही बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे बेटा, ओ कितने टाइम रिपीट हो रहा बेटा, टू टाइम्स, ओ इज योर टू टाइम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आएंगे बेटा, एन आ गया बेटा, जितने पॉसिबिलिटीज आपको गिवन है, एन फैक्टोरियल इज फोर फैक्टोरियल, और पी कितना आ गया बेटा, जितनी बार उसमें कोई रेपिटेशन हो रहा है, जैसे ओ टू टाइम्स आ रहा, तो जो एलिमेंट रिपीट कर रहा दैट इज वो, ये आ गया टू फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ अलाहाबाद एक वर्ड है, अलाहाबाद एक वर्ड है बेटा, अलाहाबाद वर्ड में क्या है बेटा, आप देखोगे टोटल कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड कितने गिवन है बेटा 9, इसमें ए कितनी बार है 1 2 3 4, ए कितनी बार है बेटा 4 टाइम्स, एल कितने बार है बेटा 2 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे बेटा, एन फैक्टोरियल अपॉन, ये आपके पास एन कितना है बेटा 9 फैक्टोरियल अपॉन, ए कितनी बार है बेटा 4 टाइम्स, तो ये हमने 4 फैक्टोरियल कर दिया और ये 2 फैक्टोरियल। इस तरह से थ्री फार्मूलाज हैं हमारे पास, ठीक है, इनको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम इस पर क्वेश्चन भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये परम्यूटेशन की तीन पॉसिबिलिटीज हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग आगे परम्यूटेशन की एक्सरसाइज हमारी सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर द क्लास।